हाय फ्रेंड्स, रूबी झा की किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज देखिए हम क्या बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। तो देखिए जो भी हमारे घर में सामान है तो हम जितना हो सके उतना कम सामान में पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे और बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं और ये हम 1 प्याज काट लिए हैं और ये हम 7 से 8 लहसुन का छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और ये हम छोटा सा अदरक काट लिए हैं और यहाँ पर मैं देखिए 25 से 30 हम यहाँ पर मैं हम लाल मिर्च लिए हैं साबुत वाली। तो अब चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैन चढ़ाए हैं, चढ़ा लिए हैं और यहाँ पर मैं हम क्या किए हैं तो 1 टीस्पून तेल डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। अब यहाँ पर मैं हम ये देखिए ये हम लहसुन डाल देंगे और अब हम साथ में ही ये प्याज लिए हैं तो हम इसको भी डाल देंगे और ये हम अदरक डाल देंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे और हम इसको पकाएंगे। तब तक चलिए हम अपना टमाटर तो अब यहाँ पे देखिए क्या तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम गर्म पानी कर लिए हैं। तो गर्म पानी में हम यहाँ पे क्या करेंगे तो ये देखिए ये मिर्च हम डाल देंगे यहाँ पे देखिए, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको मुलायम होने देंगे। मुलायम हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको साथ में हम पीस लेंगे। ये देखिए तो चलिए हम इसको साइड में रख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो इस तरह से हम इसका बीच वाला जो ये भाग है तो ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट रहता है तो इसलिए हम इसको साइड में रख लेंगे। और आप चाहे तो टमाटर को अच्छे से छील लें। तो ये देखिए इस तरह से आप टमाटर को छील लें। अगर आपको नहीं भी छीलना है तो आप नहीं छीले, देखिए इस तरह से आप छील के इसका छिलका हटा लें। लेकिन हम यहाँ पर में वैसे ही डालने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर में टमाटर को नहीं छीलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा प्याज जो है, प्याज अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं हम अब यहाँ पे क्या करेंगे तो थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से पहले हम चला लेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में क्या कर रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा मसाला है तो यहाँ पर में हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा मसाला डाल देंगे इस तरह से। आपके पास अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए हम यहाँ पर में अभी जो भी है मेरे पास उपलब्ध तो हम उसी में बनाएंगे, हम यहाँ पर में ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए इसको हम ढक दे रहे हैं। अब यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल देखिए ये पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेज में हम थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे जो हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर में हम 2 टीस्पून हम कश्मीरी मिर्च डाल दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे तो हम गैस बंद कर देंगे यहाँ पर में। तो अब आप देख सकती हैं अब ये टमाटर जो है मेरा अच्छे से पक गया है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब यहाँ पर हम गैस बंद कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मिक्सी जार में रख लेंगे इस तरह से। तो
देखिए इसको हम रख लिए हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब देखिए हम गर्म पानी में इस मिर्च को हम फुला दिए थे, तो अब देखिए कितना बढ़िया फूल चुका है, ये मोटा मोटा हो गया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर में, तो ये मिर्च भी हम साथ में डाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ हम ये मिर्च भी डाल दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी डाल देंगे मिर्ची के, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया से ये देखिए तैयार हो चुका है। तो अब क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे, तो आप चाहे तो इसको महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कभी आपसे हम दूसरे तरह से भी हम सॉस बनाना बताएंगे। ये तो जो मेरे घर में सामान था तो हम घर का ही सामान इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तब भी फ्लेवर वही आता है, कुछ अलग नहीं आता है। तो ये देखिए इस तरह से आप देखिए देख सकती हैं, तो इसी तरह से हमको देखिए बनाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये तो हो गया पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा सॉस हो गया। तो हम आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से लॉकडाउन में पिज़्ज़ा सॉस बनाना हम बताए हैं, तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर में बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ नए रेसिपी के साथ। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।